राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में फंड की कमी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। इस मुद्दे को लेकर मनोज तिवारी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। इन ट्वीट्स में उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बारे में बात की है और अस्पताल की कमियां गिनाते हुए केजरीवाल सरकार को इसका जिम्मेदार बताया है। मनोज तिवारी ने इस ट्वीट में लिखा है, जी हाँ, ये सच है, दिल्ली सरकार के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में अब ऑपरेशन नहीं होंगे। अफसोस, अरविंद केजरीवाल, आपने ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर भी ठप कर दिए। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े 2000 बिस्तरों के LNJP अस्पताल में मरीज भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बारे में मनोज तिवारी ने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो ट्वीट में लिखी बातों को दोहरा रहे हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था भैया, तो मुझे एक व्यक्ति ने फोन किया कि मैं LNJP अस्पताल के बाहर पड़ा हूँ, मेरे बच्चे का ऑपरेशन होना है और अस्पताल में ऑपरेशन बंद होने जा रहा है। मेरा डेट था 7 दिन बाद का। LNJP कहाँ है, किधर है? कमाल हो गया, अस्पताल में 4 दिन बाद से ऑपरेशन ही नहीं होगा, ये दिल्ली के अस्पताल की हालत। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट और किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में सीलिंग लाइट का अभाव, छोटी लाइटों के सहारे मजबूरी में डॉक्टर सर्जरी करते हैं। मनोज तिवारी यही नहीं थमे, बल्कि उन्होंने सीएम केजरीवाल को ये तक कह डाला कि वो अपनी असफलताओं पर एक और फुल पेज विज्ञापन निकाल लें। वैसे दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह की जुबानी हमलेबाजी होना आम बात है, लेकिन मनोज तिवारी और केजरीवाल के बीच की तकरार NRC मुद्दे से शुरू हुई, जो अब मुद्दे बदल बदल कर सामने आ रही है। फिलहाल देखने वाली बात यही है कि इस तकरार का चुनाव में किसे और क्या फायदा होता है। नव द टाइम्स के लिए प्रियंका की रिपोर्ट।